यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव की हैं। सड़क के किनारे नाले में पड़ी जली हुई ये जीप उस गुस्से के अंगार में स्वाहा हुई है, जिससे पूरा देश और प्रदेश धधक रहा है। अग्निवीर के विरोध के लपटे अब गांव तक पहुंचने लगी हैं। ऐसे में मुस्तफापुर गांव में जमकर बवाल हुआ, यहां आगजनी हुई, पथराव हुआ। पुलिस ने उसे जैसे तैसे रोका, लेकिन अभी वहां क्या हालात है और उस वक्त कैसे वहां पर तांडव मचा था, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी उदय गुप्ता वहां पर पहुंचे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जीप जो है जलकर खाक हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गांव है मुस्तफापुर, गांव में फिलहाल सन्नाटा पसरा है, उसको उठाने के लिए क्रेन भी आ गई है। और आप देख सकते हैं ये किस तरह से यहाँ पर युवकों द्वारा तांडव मचाया गया है। ये मुस्तफापुर गांव है और मुगल सराय यानी दीनदयाल नगर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है, देहात का इलाका है। और यहां पर आप देख सकते हैं अपने सहयोगी सुधांशु से मैं कहूंगा कि एक बार गांव का दिखाएं। ये गांव में जो है ये फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है। फिलहाल यहां पर माहौल जो है वो शांत है। कुछ बुजुर्ग हैं, यहां से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राम दुलारे। क्या हुआ था यहां पर बाबा? यहां पर सब लड़के आए थे, उसी में फोर्स आई, हमें 10-12 लड़के थे और वो सब कबाला के भाग गए। फिर उसके बाद इकट्ठा यहाँ से आए कम से कम 100-200 लड़का कबाला के, वो कबा ईटा पत्थर चलाने लगे। कोई घायल भी हुआ है? अब तो घायल तो हम नहीं देखे। अच्छा, ये जीप कैसे चला दिए लोग? इस जीप कबाला के जब थुआ हो गया तो जब पुलिस वाले भाग गए तो इसको कबाला पलट दिए, पलटने के बाद अपना लगा कर आग फूंक दिए। अच्छा, तो इस तरह से ये बता रहे हैं ग्रामीण जो है बुजुर्गवार, ये मौके पर यहाँ पर बगल में इनका घर है, ये यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने देखा कि किस तरह से जो है जीप को जला दिया गया था। यहाँ पर बता रहे हैं कि गांव के दोनों तरफ से लोग आए और यहाँ पर जम करके तांडव किया। पूरी गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम पुलिस के अधिकारी गांव के कोने कोने पर नजर रखे हुए हैं। सूचना मिली कि कुछ लोग, कुछ लड़के जो हैं वो प्रकाश इंटर कॉलेज जो कि मुस्तफा गांव में पड़ता है उसमें इकट्ठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तत्काल मौके पर SHO अपनी फोर्स लेके पहुंचे और जब SHO इनसे वार्ता कर रहे थे उसमें उसी बीच कई उपद्रवी तत्वों ने पुलिस की गाड़ियों के ऊपर पथराव कर दिया और पुलिस को जो एक प्राइवेट व्हीकल था वहाँ पर उसको आगजनी कर दिया। तत्काल मौके पर उच्च अधिकारी पहुँचे और एक्स्ट्रा फोर्स पहुँची, फोर्स द्वारा सिचुएशन को काबू में लाया गया। इसमें अभी 3 लोगों को हम अरेस्ट कर चुके हैं, बाकी को चिन्हित कर रहे हैं और सिचुएशन कंट्रोल में पीसफुल है। और इसमें जो भी लोग शामिल थे, जो भी लड़के शामिल थे, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए जो भी अवैध संपत्ति इनके द्वारा या जो भी स्पॉन्सरशिप इसमें दिखती है, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेते हुए शांति व्यवस्था को खराब किया है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए जल्द लागू की जाएगी। आपको बता दें कि ये जो जीप स्वाहा हुई है, इस जीप में बैठकर पुलिस प्रदर्शन की खबर पर गश्ती पर आई थी। वहीं हिंसा में कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। फिलहाल गांव में शांति का माहौल है और सुरक्षा के तौर पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। साथ ही ड्रोन से गांव के हालात पर नजर रखी जा रही है। अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। चंदौली से उदय गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।